हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। दोस्तों मैं अवधेश कुमार। दोस्तों मैं आज इस तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो RRB ग्रुप डी यानी NTPC में पूछे गए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्रिक विशेष पर आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सबसे पहले पढ़ूंगा, इसके बाद बनाऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। देखो, उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। चलिए दोस्तों कराओ, उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, ये मेरा क्या करा है, उस खंभे की ऊंचाई इस खंभा की क्या है, ये ऊंचाई मारेंगे, इस खंभे की ऊंचाई है, इस खंभे की क्या है, ऊंचाई है, और जिसके आधार से 60 मीटर की दूरी से देखने पर ये क्या है, इसका ये आधार है जो क्या मीटर के है, 60 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 60 मीटर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका ऊंचाई है, इसका ये आधार है जो 60 मीटर की दूरी पर है, देखने पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण, ये चोटी है उसका उन्नयन कोण क्या, नीचे की तरफ बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, इसका उन्नयन कोण बनाएंगे हम। दोस्तों चलिए इसका उन्नयन कोण बनाते हैं, नीचे की ओर खींच दीजिए, इसका उन्नयन कोण क्या है दोस्तों, ये 30 डिग्री का है, यानी 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 90 है, ये अगर 30 है तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री को हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री को हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री को होता है, इसके जो सामने की भुजा होता है, इसके जो सामने की जो भुजा होता है क्या होता है, ए होता है, इसके सामने की भुजा क्या होता है, इसके सामने के जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है 2A होता है, और ये कितना होता है, ये 30 डिग्री होता है, और ये क्या होता है, ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री के जो सामने की भुजा हो जाता है क्या होता है, √3A होता है। ठीक है, और 30 डिग्री के जो सामने की भुजा होता है ये क्या होता है, इस ए होता है। चलिए दोस्तों ये रफ करके बताया हूँ, यहाँ पर क्या रफ है, चलिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्या 60 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ, 60 डिग्री जो सामने की भुजा है वो किसके बराबर, 60 डिग्री जो सामने भुजा √3A के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, √3A बराबर 60 डिग्री के सामने की भुजा कहते हैं, 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, √3A, तो √3A बराबर कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पर 60 लिखेंगे, 60 मीटर दिया हुआ, सॉरी 60 मीटर लिखेंगे, तो यहाँ पर से ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 60/√3। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम क्रॉस इसको क्या करें, परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 को √3 कर देंगे, यहाँ पर से ए बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 60/√3 कितना होगा, √3 × √3 हो जाएगा, इससे हम इसको काट देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 20√3। ये मेरा ऊंचाई निकालने के लिए कर रहा, ये निकालने के लिए कर रहा, ऊंचाई निकालने के लिए, यानी ऊंचाई निकालना है मेरा, ऊंचाई निकालना, तो ऊंचाई यानी ऊंचाई निकालना, यानी 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा निकालना है, तो h बराबर निकालना है, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, यानी h, यहाँ पर लिखेंगे h बराबर दोनों सेम होता है, तो 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा मेरा h निकालना, तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, a होता है, a बराबर h होता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, a लिखे या h लिखे यही मेरा क्या आंसर हो जाएगा, इसको h बराबर भी कर सकते हैं, यही मेरा h निकालना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टावर के पाद से, यानी ये भी क्या ट्रिक बेसिस पर सेम टू सेम क्वेश्चन है, ट्रिक है,
क्या करा, किसी टावर के पाद से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वो समझ में नहीं आया तो ये अच्छा समझिए, दोस्तों इसमें समझ में आ जाएंगे। करा एक टावर है, हम क्या करेंगे, एक टावर है, एक टावर ले लेंगे, ये क्या है टावर है, एक टावर है, किसी टावर के पाद से 50 मीटर की दूरी है, इसका क्या ये पाद है, ये कितना 50 मीटर की दूरी पर है, क्या करेंगे यहाँ 50 मीटर लिख देंगे। एक बिंदु से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, यानी इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या कर रहा हूँ, उन्नयन कोण इसका जो उन्नयन, जो इसका उन्नयन कोण है दोस्तों, जो इसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण से उन्नयन कोण 30 डिग्री का, इसका जो उन्नयन कोण है दोस्तों 30 डिग्री का है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये 90 होता है, ये 30 डिग्री हुआ, ये 90 तो होता ही है, ये 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या करेंगे उनको, तो क्या टावर की ऊंचाई याद कीजिए, एच बराबर या ए बराबर दोनों सेम होता है, एच बराबर या ए बराबर, इसका ऊंचाई निकालना है उनको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 60 डिग्री जो सामने पूछा है, 60 डिग्री के सामने कितना 50 मीटर दिया हुआ था, हम जानते हैं कि दोस्तों 60 मीटर यानी 60 मीटर के जो 60 मीटर के जो सामने पूछा होता क्या होता है, रूट थ्री ए बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा मेरा, 50 मीटर ठीक है, रूट थ्री बराबर 50 मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए रोकेंगे, तो मेरा 50/√3 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे परिमेयकरण के लिए √3 × √3 कर देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 50√3/3, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी h बराबर ऊंचाई निकलना था मेरा, तो h बराबर या a बराबर h या रूट 30 डिग्री का जो सामने भुजा होता है ए होता है, ए बराबर h मानो या ये मानो, इसे ऊंचाई निकलना है, तो a बराबर मेरा क्या हो गया ऊंचाई निकल गया, h बराबर कितना हो गया 50√3/3, यही मेरा क्या आंसर है दोस्तों। ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों, अगर जो भी दोस्तों की इस वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है, और जो भी दोस्तों को अगर समझ में नहीं आया तो मैं प्रयास करूँगा कि आगे जो क्वेश्चन लाऊँ उसमें अच्छी तरह से समझाएं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों अगर जो भी दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में अच्छी तरह से लेके आऊँगा दोस्तों। कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम के कारण कुछ वीडियो है ना दोस्तों अच्छी तरह से नहीं आ पाते हैं दोस्तों, मैं प्रयास करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। चलिए जय हिंद दोस्तों।